उत्तर प्रदेश गारमेंट मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से 14 से लेकर 17 जनवरी तक मोतीझील लॉन में भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 स्टॉल उत्तर प्रदेश के गारमेंट व होजरी व्यापारी सम्मिलित होंगे। इस बात की जानकारी एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। गुरजिंदर सिंह छाबड़ा ने बताया कि मेले का शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व एमएसएमई मंत्री राकेश सचान करेंगे। चेयरमैन नजम हमराज ने बताया कि लगभग 10 से 12 एसोसिएशन हैं, जिसमें लगभग 4 से 5,000 व्यापारी हैं। सभी को एक मंच पर इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य है। संरक्षक हूँ यूपीजीएमटीए संस्था का। जो सेमिनार हो रहा है, कितने लोग इसमें लेंगे, कितनी कंपनी? इसमें हमारे कानपुर और बाहर के मिला के लगभग 400 स्टॉल लग रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य ये है किसी तरह से सभी व्यापारी एक छत के नीचे आएं और कानपुर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आगे बढ़ाएं हम लोग। और बहुत ही नॉमिनल रेट, बहुत ही कम रेटों में हमारे यूपी एमपी जो भी अदर स्टेट हैं उनमें कानपुर का नाम आगे हो। मेन उद्देश्य हम लोग सिंह संरक्षक हूँ यूपीजीएमटीए का। यूपीजीएमटीए के द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है मोतीझील के अंदर। एक फेयर लग रही है, जिस फेयर के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यमी, व्यापारी, निर्माता सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आज ऑनलाइन कंपनियां लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, उनसे कंपटीशन करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर हम लोग कम लागत में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के लिए सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये यूपीजीएमटीए की एक पहल है, माननीय मोदी जी का एक सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने के लिए स्किल इंडिया के तहत। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा जिस तरह से मीटिंग्स और निवेश को लाने के लिए बात हो रही है, उसके तहत एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसमें छोटे से छोटा निर्माता और उद्यमी, बड़ा उद्यमी और व्यापारी सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। और जब ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स साथ में होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह से आगे डिमांड है, वही चीज़ बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, इसमें होलसेल के, चूँकि ये सेल है, इसमें पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। और ख़ासकर कानपुर में गर्ल्स बियर का काम जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कम लागत पर अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए ये सेल लगाई जा रही है। और ये फेयर कामयाब अगर होती है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो हर साल ऐसी फेयर लगाई जाएगी। मैं नजम हमराज चेयरमैन यूपीजीएमटीए बोल रहा हूँ, और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फेयर जो लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि हम कानपुर के सारे व्यापारियों को एक मंच पर ला सकें और जो 7-8 एसोसिएशन्स हैं कानपुर की, उनको एक मंच पर लाने के बाद हम अपने कारोबार को गारमेंट्स के बढ़ावा दे सकें। और ये सपना मेरे पूर्व पूज्य पिताजी ने अपने पिताजी के नाम से, हाजी मोहम्मद हमराज साहब के नाम से, हमराज कॉम्प्लेक्स बना के 1987 में इसकी नींव डाली थी कि वो सारे व्यापारियों को एक जगह पे लाएं। हमारे हमराज कॉम्प्लेक्स के और सारे दुकानदारों ने मिल के इस चीज़ को इतना बढ़ाया, जिसमें पुराने हमारे दुकानदार रस्तोगी जी, गोरे जी और बहुत सारे दुकानदार हैं जिन लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया और इस चीज़ को इस हद तक ले आया कि अब हम कानपुर की जगह पूरे यूपी को एक करने में हम लोग सब लोग मिलकर कामयाब हुए हैं। और कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं आप लोग के सहयोग।